खगड़िया जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दिनांक 6 जुलाई 2020 को परबत्ता जेडीयू प्रखंड अध्यक्ष ध्रुव कुमार शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निशाने पर छूट भैया नेता दिगंबर प्रसाद चौरसिया को निशाने पर लिया। अध्यक्ष ने कहा कि चोर चोर मोसेरा भाई ने शोर मचाना शुरू कर दिया है। इस कॉन्फ्रेंस में जेडीयू जिला उपाध्याय खगड़िया मणिभूषण राज, जेडीयू परबत्ता प्रखंड उपाध्यक्ष सुबोध साह, गौतम कुमार पोद्दार, विजय चौधरी, अविनाश कुमार उर्फ भोली, सुनील यादव, शंभू यादव, प्रोफेसर कृष्ण देव यादव, संजय कुमार चौरसिया, साकेत कुमार और अन्य जेडीयू कार्यकर्ता उपस्थित थे। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा अध्यक्ष जी ने। स्पेशल रूप से प्रेस विज्ञप्ति हम जारी करके कुछ बात को रखना चाह रहे हैं जी, कि आज से एक दो दिन पहले एक दिगंबर चौरसिया करके नाम करके है जी, जो कुछ दिन पहले सेल टैक्स कमिश्नर या क्या था पता नहीं वहाँ से रिटायर किया है जी। और वो अपने आप को मतलब ख्वाब देख रहा है कि अगला विधानसभा का चुनाव हम आरजेडी से लड़ेंगे जी, जो कि अपना वो प्रचार प्रसार भी कर रहा है। तो हमारा कहना चोर चोर मोसेरा भाई जी, राजद तो ऐसे ही चोर का पार्टी है जी, और उस चोर पार्टी में चोर एक लिप्त हो रहा है जी। इसका अगर पिछले कारनामा अगर सर्विस के दौरान देखा जाए जी, तो क्या क्या ये घोटाला किए हैं जी, और क्या क्या ये हम अपना मतलब कार्य में अरगल तरगल क्या क्या किए हैं उसका सारा इस विवरण में दिया हुआ है जी, जो प्रेस विज्ञप्ति में आप लोग को दूंगा जी। इसमें 5 तारीख को इन्होंने शायद कांग्रेस का और ये शायद राजद का पेट्रोल और डीजल के बारे में कुछ हल्ला बोल था जी, ये अपना कार्यक्रम कर रहे थे। उसी कार्यक्रम में इन्होंने जो है स्थानीय विधायक श्री रमन प्रसाद सिंह और पारन सिंह साहब पर जी घिनौने तरीके से कुछ आरोप लगाए हैं जी, जो कि सरासर एकदम बेबुनियाद है, किसी बातों में दम नहीं है जी। अगर उसको पलट के देखा जाए तो दिगंबर चौरसिया का जो करतूत है, जो कारनामा है जी, उतना घिनौनापन है कि कुछ दिन पहले तो जेल जाने वाले थे, इस पर तो मुकदमा दर्ज है और मुकदमा चल रहा है, कोर्ट में इसका सुनवाई भी चल रहा है, कभी भी ये जेल जा सकते हैं। जहां तक रहा आरएन सिंह साहब का बात, तो हम अच्छा सर, ये साफ कहना चाहते हैं, ये सोशल मीडिया पर जो ये बोले हैं कि परबत्ता के जो अभी स्थानीय विधायक है इन्होंने मतलब कि कोई विकास कार्य नहीं किया, यही बात को मैं दोहराना चाह रहा हूँ जी, कि पिछले 15 साल पूर्व जी क्या स्थिति था बिहार का, क्या स्थिति था परबत्ता का जी जी, और आज क्या स्थिति है जी, वह देखने को मिल रहा है। विरोधी को कुछ नहीं मिलता है तो लगता है कहीं इसको ऑपरेशन कराना पड़ेगा आंख में, नेपाल उपाल जाकर के कुछ दिखाई नहीं देता विकास जी। अरे कोई ऐसा रोड नहीं बचा परबत्ता विधानसभा के अंदर जी, जो नहीं बना हो, चमचमाती सड़क नहीं हो, रोड हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, पुल पुलिया हो या विद्युत के संबंध में। कोई एक विधायक अगर एक विद्युत सब स्टेशन बनवा देता है तो अपने आप को तीसवार खान समझता है जी। हमारे यहाँ पर 5-5 विद्युत सब स्टेशन है जिसमें 4 कार्यरत है और इस महीने में 1 और कार्यरत हो जाएगा जी। इसके बाद परबत्ता विधानसभा में सुपर पावर ग्रिड है जो 4 जिला 5 जिला को बिजली देने की क्षमता रखती है जी, जबकि पूरे बिहार में ऐसा उपकरण मुश्किल से 4-5 जिला में। अच्छा सर, एक चीज मैं आपको जरा समय प्रकाश डालना चाहूंगा कि अभी जो अगवानी सुल्तानगंज की जो 4 लेन की पुल का जो कार्य चल रहा है, क्या उस पर कोई बिंदु या प्रकाश डालने का प्रयास करें सर? युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है जी, और हमें उम्मीद है कि 2021 में यह पुल बन करके तैयार हो जाएगा। अच्छा सर, विरोधी जो कहता है कि यह पुल फलाना लाया चिलाना लाया, क्या इसमें सच्चाई है? विरोधी को तो कुछ बोलने के लिए है नहीं, क्या बोलेगा, उसको तो कुछ दिखाई ही नहीं देता है। जिस रोड पर चल रहा है क्या विरोधी चल रहा है? खाली समर्थक चल रहा है, विरोधी नहीं चल रहा है। जिस बिजली का उपयोग कर रहा है खाली समर्थक उपयोग कर रहा है, नीतीश कुमार का या आर एन सिंह साहब का विरोधी उपयोग नहीं कर रहा है। उस समय को याद कीजिए ना कि लालटेन में तेल नहीं पुरता था, रात भर तेल जलाते जलाते जो है ना लालटेन बुझ जाता था। अभी लालटेन क्या मोमबत्ती जलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये दिखाई नहीं पड़ता है विरोधियों को? विरोधी को कुछ नहीं कहने के लिए है। और मैं बता दूं कि यहां पर इन्होंने जो बताया कि मुखिया पर दबाव डालते हैं या सरपंच पर दबाव डालते हैं या डीलरों पर, कोई एक ऐसा नमूना पेश कर दे दिगंबर चौरसिया कि फलाने मुखिया पर दबाव डाला है
या फलाने डीलर पर दबाव डाला है या फलाने किसी आदमी पर दबाव डाला है या घर घर में लड़ाई हुआ उसमें कोई इनका योगदान हो, अगर उसमें कुछ ऐसा कुछ बात बोले हैं, तो मैं कहता हूं मैं अपनी 25 साल की राजनीति को संन्यास ले लूंगा। और सुनिए सुनिए, अगर इतना ही बात आपको आगे हम कह रहे हैं मीडिया के माध्यम से, चेतावनी देना चाहता हूं दिगंबर चौरसिया को, है दिगंबर चौरसिया आ जाओ फील्ड पर, अगर छठी का दूध याद नहीं दिला दिया आर एन सिंह और डॉक्टर संजीव कुमार ने, फिर मेरा नाम